सुप्रभात, कक्षा 3 के सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 12 ईद, जो कि एक निबंध है, ये पढ़ाऊंगी। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से मुस्लिम भाइयों के महत्वपूर्ण पर्व अर्थात त्योहार के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक नवीन पल्लव का पेज नंबर 75 खोलिए और ध्यान से देखिए। पाठ 12 ईद। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से मुस्लिम भाइयों के महत्वपूर्ण पर्व के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी गई। ध्यान से देखिए बच्चों, ईद मुस्लिम भाइयों का सर्वाधिक अर्थात सबसे अधिक लोकप्रिय त्योहार माना जाता है। मुसलमानों का धार्मिक धर्म से संबंधित कैलेंडर चांद के महीने के हिसाब से चलता है। चांद का नवा महीना रमजान का महीना होता है। इस महीने में मुसलमान रोजे अर्थात उपवास रखते हैं। यह रोजा सूर्योदय के थोड़ी देर पहले से शुरू होता है और सूर्यास्त तक चलता है, अर्थात भोर में शुरू होता है और शाम तक चलता है। इस दौरान इनका खाना पीना और विलास के सभी साधन वर्जित, वर्जित का अर्थ होता है मना किया हुआ, तो मना किए होते हैं। रोजे के दौरान किसी की निंदा करना, नशीली चीजों का सेवन, लड़ाई झगड़ा करना पाप समझा जाता है। यदि रोजे की हालत में किसी ने जानबूझकर कुछ खा पी लिया है तो उससे रोजा टूट जाता है और उसका सवाब, सवाब का अर्थ क्या होता है, पुण्य, नहीं मिलता। समझ में आया बच्चों? ध्यान दीजिए बच्चों, मुसलमान रमजान के महीने का बड़ी बेसब्री, बेसब्री का क्या अर्थ होता है, जल्दबाजी से इंतजार अर्थात प्रतीक्षा करते हैं। रमजान का चांद दिखते ही अगले दिन से रोजे की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे ही चांद दिखाई देता है तो अगले दिन से उपवास करना सभी लोग शुरू कर देते हैं। सभी लोग रमजान की विशेष नमाज जिसे तरावी कहते हैं, रमजान की एक नमाज होती है जिसे तरावी कहते हैं, और सुबह विशेष खाना, सुबह का भोर का खाना होता है उसे सहरी कहते हैं। ठीक है, सुबह विशेष खाना सहरी की तैयारियों में लग जाते हैं। सभी के लिए नमाज पढ़ना जरूरी होता है, वो चाहे रोजा रखा हो चाहे ना रखा हो, चाहे वे रोजा रखते हो या नहीं। इसके बाद रोजा रखने वाले सूर्य निकलने से कुछ समय पहले थोड़ा खा पी लेते हैं, बाद में वे नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। जो रोजा रखते हैं अर्थात उपवास रखते हैं वो भोर में ही कुछ खा पी लेते हैं, इसके बाद नमाज पढ़ते हैं। सूर्यास्त होने पर रोजा खोल लिया जाता है और शाम को रोजा खोल लेते हैं। इसे इफ्तार करना भी कहते हैं, अर्थात जब रोजा खोलते हैं उसको इफ्तार करना कहते हैं। इफ्तार के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। उसके बाद रात की नमाज पढ़कर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। इस तरह 29 या 30 रोजे किए जाते हैं महीने में, कभी 29 पड़ता है और कभी 30 उपवास किए जाते हैं। चांद कभी 29 दिन में दिखाई देता है और कभी 30 दिन में, उसी हिसाब से रोजे होते हैं। नया चांद दिखने पर लोग खुशियां मनाते हैं क्योंकि अगले दिन ईद उल फितर मनाया जाता है। ईद उल फितर का मतलब रोजे पूरी होने की खुशी है। ईद उल फितर अर्थात जब 29 या 30 दिन रोजा पूरा हो जाता है तो उसकी खुशियां मनाते हैं। ईद की सुबह लोग नए कपड़े या साफ सुथरे कपड़े पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद सब आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद का क्या अर्थ होता है, एक दूसरे को बधाई देते हैं। ईद पर बनने वाले पकवानों में सिवैयां
और शीर खुरमा मुख्य हैं। इनके अलावा और चीज़ें भी बनाई जाती हैं। ईद में सबसे प्रमुख पकवानों में सिवैयाँ और शीर खुरमा है। इनके अलावा और चीज़ें भी बनाई जाती हैं। इस अवसर पर जगह जगह ईद मिलन समारोह आयोजित किए जाते हैं और सभी धर्मों के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। बच्चों, ईद में सभी एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और सभी धर्मों के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। सभी एक साथ मिलकर ईद मनाते हैं। बच्चों, त्यौहार आपसी प्रेम भाव व भाईचारा बढ़ाते हैं। अर्थात जब भी कोई त्यौहार आता है, हम सभी मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी मनाते हैं। कोई भी गिला शिकवा अगर होता भी है तो उसको छोड़कर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बहुत अच्छी तरीके से त्यौहार को मनाते हैं। बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ यहाँ दिए गए। ध्यान से देखिए, धार्मिक, धार्मिक का अर्थ क्या होता है? धर्म से संबंधित। रोजा, उपवास, वर्जित, मना किया हुआ। सवाब, पुण्य। बेसब्री, बेसब्री का अर्थ होता है जल्दबाजी, इंतजार, प्रतीक्षा। मुबारकबाद, बधाई। बच्चों, अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है वो सब फिर से एक बार आप उच्चारण सहित पढ़ेंगे और उसका शब्द मैत्री याद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।